अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो आज के लेक्चर को हम प्रीवियस लेक्चर से लिंक करके डिस्कस करते हैं कि अब हम अटेंशंस की टाइप्स को लर्न करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में सो स्टूडेंट्स, मैंने अटेंशन आपको कवर करवा दिया है, जिसका लिंक आपको जो है लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। कोग्नेटिव साइकोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है लर्निंग प्रोग्राम के चैनल पे, वहाँ पे जाके भी आपको कोग्नेटिव साइकोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो अब फर्स्ट लेक्चर का अटेंशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ अटेंशन। बेसिकली जो है बुक्स में अटेंशन की थ्री टाइप्स दी जाती हैं, बट बेसिकली जो मेन टू टाइप्स हैं जिस पे वर्क हुआ है या एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्चेस ने सबूत दिया है, वो है टू टाइप्स, सिलेक्टिव एंड डाइकोटिक। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती हैं? सिलेक्टिव अटेंशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो ये है, आपके अटेंशन की वो एबिलिटी जो आप एक मैसेज पे फोकस करते हैं और इग्नोर कर देते हैं बाकी तमाम मैसेजेस को, डैट इज द सिलेक्टिव अटेंशन। आपके अंदर वो एबिलिटी, वो प्रोसेस जो सिलेक्शन का, जिस की तरफ आपकी प्रोसेस ज्यादा फोकस कर रहा होता है और बाकी तमाम मैसेजेस को इग्नोर कर देना, डैट इज द सिलेक्टिव अटेंशन। रिसर्चर्स ने जो सा इंडिकेट किया है कि हमारी सिलेक्शन में, हमारी अटेंशन में जो मेन पार्ट हमारा रोल करता है, डेट इज द ऑडिटरी सिस्टम। हमारी वैसे तो विजुअल भी बहुत ज्यादा फोकस करता है, बट वो सेकंड नंबर पे आता है। ऑडिटरी सिस्टम जो है हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है टू फोकस ऑन द अटेंशन या सिलेक्टिव अटेंशन। रिसर्चर बिगेन विद द एक्सपेरिमेंट इंडिकेटेड इफ वी आर पेइंग द अटेंशन ऑफ वन मैसेज, वो कह रहे हैं अगर हम एक मैसेज पे फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं तो हमें मुश्किल होती है या इम्पॉसिबल होता है कि हम बाकी दूसरे मैसेजेस की इंफॉर्मेशन को भी अटेंड करें। ठीक है, ये होती है सिलेक्टिव अटेंशन। अटेंशन की आपको अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस लेक्चर में हो जाएगी, लेकिन उसकी जो सिलेक्टिव अटेंशन आगे टाइप है कि अटेंशन करनी है लेकिन किसी एक मैसेज पे अटेंशन आपने करनी है, डेट इज द सिलेक्टिव अटेंशन। जी, अब छोटी सी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको टू मैसेजेस सुनाई जाएंगे जिसमें से पर्सन हेल्प करेगा कि आपने कौन से लिस्ट को टिक किया है। सिलेक्टिव अटेंशन की पहले आपको मैं एक्सपेरिमेंट या रिसर्च से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, उसके बाद एवरीडे लाइफ की एग्जाम्पल पे ले आऊंगी जो कि बहुत मजे की इंटरेस्टेड सी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, टू पर्सन लिए, एक पर्सन के हैंड में एक बुक दे दी और दूसरे पर्सन के हैंड में दूसरी बुक दे दी। दोनों बुक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे जो थी रिलेट करती थी। अब उन्होंने कहा कि आपने इसको रीड करना है, ठीक है, और वो दोनों टॉपिक्स उन्होंने पहले रीड नहीं किए हुए थे, ऐसी न्यू बुक्स जो हैं उन्होंने उनके हाथ में दी। उन्होंने एक पर्सन को कहा आप इस बुक को रीड करें और दूसरा पर्सन को कहा आप इस बुक को जरा लाउड आवाज में रीड करें, ताकि ये जो पर्सन अपनी बुक रीड कर रहा है वो आपकी बुक का भी रीडिंग सुनता रहे और अपनी बुक की भी रीडिंग करता रहे। मतलब कि एक टाइम में उसने अपना पैसेज भी पढ़ना था और दूसरे पर्सन जो लाउडली बोल रहा था उसके पैसेज को भी अंडरस्टैंड करना था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ये वो पर्सन को एबल हुआ कि उसने देखा कि मुझे दोनों ही पैसेजेस हैं जो रिमेम्बर नहीं हो रहे। ठीक है, कि मतलब कि थोड़ा सा पैसेज अपना समझ में आ रहा है और थोड़ा सा पैसेज उसका समझ में आ रहा है। तब ये एक्सपेरिमेंट से जो है रिजल्ट सामने आए कि आप एक टाइम में टू पैसेजेस या दो जगह अपनी अटेंशन को पे नहीं कर सकते, एक टाइम में आप एक ही मैसेज को अटेंड कर सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन आपको डिले करनी होती है या छोड़नी होती है। अब डिपेंड करता है कि आप उन दोनों पैसेजेस में से किस को, कौन सी कैपेसिटी आपकी ज्यादा है जिस पैसेज को आप एब्सॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, दैट इज डिपेंड ऑन योर अटेंशन, दैट इज डिपेंड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, दैट इज डिपेंड ऑन योर ड्रीम्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट डिवेलप जिस चीज में ज्यादा होता है आप उस पैसेज को ज्यादा अच्छे से रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके एवरीडे लाइफ की एग्जाम्पल देती हूँ। सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप एक पार्टी में गई हैं, आपकी राइट साइड पे टू वुमेन्स बैठी हैं जो कि ब्रांड्स की बात कर रही हैं, वो भी
कपड़ों के ब्रांड्स की, आप जहाँ पे ऑफ्स की सेल लगी हुई है, 70% ऑफ है, अप टू 70% या 50% या 35%। एंड लेफ्ट साइड पे आपकी टू वुमेन्स बैठी हैं जो कि किसी बिजनेस की बात कर रही हैं। अब आपके इंटरेस्ट जिस चीज में होगा आपको उसकी बातें ज्यादा अच्छे से क्लियरली सुनाई देंगे, बिकॉज आपके टू ईयर्स हैं और दोनों साइड्स पे हैं और आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आपकी को किसकी बातें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी, आपको आपके इंटरेस्ट की बातें। अगर तो आप यंग गर्ल हैं तो यकीनन आपको अपने ब्रांड्स के कपड़ों की जो उनसे हैं उनके सेल्स की के किस ब्रांड पे कितने परसेंट सेल लगी हुई है वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और आप उसकी बातें ज्यादा गौर से सुनेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और आप जो है अपनी क्लास वालों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो अल्लाह हाफिज़।